ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या आपको पता है कि आपके सोने का तरीका आपके व्यवहार को बताता है? ये बिल्कुल सही है। चलिए जान लेते हैं आपके सोने का तरीका क्या कहता है आप सभी के बारे में। दोस्तों, आज हम जानते हैं आपके सोने के अंदाज के बारे में। आपने शायद ही सोचा होगा कि सोने का अंदाज भी आपकी पर्सनैलिटी को, आपके एटीट्यूड को, आपकी मानसिकता को दर्शाता है। जान लीजिए कि बिस्तर पर आप जिस मुद्रा में सोते हैं, वो मुद्रा जो है वो आपके बारे में बहुत कुछ कह जाती है। दुनिया के सबसे जो धनी लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका कहना है कि नींद कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा है, लेकिन वो उससे वंचित है, क्योंकि अब उनका जो काम पर ज्यादा वक्त देना होता है, हर रोज जैसे 7 घंटे की नींद, रात की नींद जो जरूरी है, वैसे यह भी जरूरी है कि सोते समय जो आपकी जो शरीर की जो मुद्रा है, जो स्टाइल है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। हाल ही में एक शोध के अनुसार विश्व में लगभग 5 करोड़ लोगों को मिर्गी की बीमारी है, और उसका एक कारण जो है वो पेट के बल सोना है। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो अक्सर कई बार हम देखते हैं कि पेट के बल सोते हैं। ऐसे लोग जो पेट के बल सोते हो, उनको मिर्गी की बीमारी की ज्यादा तकलीफ होती है। तो सोने के तरीके से कई तरह की मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। आपके सोने का तरीका आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। जागने के लिए सोना जरूरी होता है। जी हाँ, ठीक से सोएंगे नहीं तो कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। नींद जो है वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सही रखने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया जाता है कि हर रोज नींद के आगोश में जाने से पहले आप ऑटोमेटिकली एक खास पोजीशन में आ जाते हैं? अगर नहीं, तो आप गौर कीजिए और अपने बारे में जानिए कि क्या कहता है आपके सोने का तरीका आपके बारे में। शुरुआत करते हैं, हमारी बेटियां, बेटे, सबके लिए बोल रहा हूं मैं। अगर आप पैर क्रॉस करके सोते हैं, अपने पांव जो है उनको क्रॉस करके सोते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आप अपने धुन में रहने वाले हैं। हर सिचुएशन को अपने तरीके से आप डील करते हैं। दूसरों के कामों में, अपने कामों में दूसरों की जो दखलअंदाजी है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी स्टाइल, यदि आप पेट के बल सोती हैं और सोते समय आपके हाथ और पैर बिल्कुल स्ट्रेस्ड रहते हैं, सीधे रहते हैं, तो आपके सोने का ये अंदाज कहता है कि आप बिंदास किस्म की लड़की है, अपने मन की बात खुलकर कहती है, अपने धुन में रहती है, दोस्ती के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है। तीसरे स्टाइल, यदि आप पीठ के बल सोते हैं और सोते समय आपने दोनों हाथों को स्ट्रेस रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका नेचर बहुत हेल्पफुल है, हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। चौथी स्टाइल, अगर आप पीठ के बल एकदम सीधे सोते हैं, तो सोने की यह पोजिशन बताती है कि आप डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, हर काम को एक खास तरीके से करना पसंद करते हैं, काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, गलत बातें आपको बर्दाश्त नहीं। पांचवी स्टाइल, हाथ बाहर की तरफ फैलाकर सोने का तरीका कहता है कि आपको हर समय यही लगता है कि बहुत सारे काम करने को बाकी है, मानो दुनिया में सबसे ज्यादा काम आपको ही करना है। अपने काम के रिजल्ट को लेकर बहुत फिक्रमंद और जिम्मेदार रहते हैं। दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा जो बातें पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि आपके सोने का तरीका आपके व्यक्तित्व को बहुत कुछ बोलता है। तो आइए कुछ और भी जान लेते हैं इस बारे में पंडित जी से। 6 नंबर की जो स्टाइल है, सोते वक्त आप अपने हाथ और पांव को तकरीबन 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, तो आप दूसरों के बताए तौर तरीके तुरंत स्वीकार करने वाले होते हैं, अपने ही नजरिए से चीजों को तोलते हैं, फैसले लेने में वक्त लगाते हैं, लेकिन जब कोई एक बार फैसला ले लें तो फिर पीछे नहीं हटते। 7वीं जो स्टाइल है, अगर आप सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर पांव को हिलाते हैं, तो आपकी यह आदत बताती है कि आप अपने परिवार को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, उनके लिए लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करना आप चाहते हैं। 8वीं जो स्टाइल है, सोते वक्त यदि आप अपने हाथ अपने सिर के समानांतर बिल्कुल इस तरीके से आप रखते हैं, तो आपकी यह आदत बताती है कि आपका व्यवहार बहुत शालीन है, दूसरों को कभी आप तकलीफ नहीं देना चाहते, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, जरूरत पड़ने पर आप उनकी हर संभव मदद भी करते हैं।
नवी जो स्टाइल है वो ये है कि यदि आप हमेशा करवट लेकर सोते हैं, एक करवट में सीधा नहीं सोते, हमेशा करवट लेकर सोते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। आप नोटिस करेंगे कि जब आप किसी गहरी सोच में डूबे होते हैं तो अक्सर आपको करवट लेने पर ही नींद आती है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले बहुत बार सोचने की आदत आपके अंदर होती है। दसवीं स्टाइल जो अक्सर देखा जाता है बच्चों में और हमारी बच्चियों में, बॉडी को बहुत मोड़ कर सोना, बिल्कुल इस तरीके से हो जाना, मोड़ कर सोना, इसका मतलब है कि आप आराम तलब है। साथ ही ऐसे सोना यह भी बताता है कि आप स्वभाव से थोड़ी संकोची हैं, लोगों से जल्द घुलने मिलने में आपको दिक्कत आती है। तो ये मैंने कुछ सरल सी आज आपको सोने की मुद्राओं के बारे में बताया कि कैसे आप आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं, आपके सोने की स्टाइल। बड़ी आपको लगा होगा कि आज ये पंडित जी क्या बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपके सोने की जो स्टाइल है वो आपके लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट करती है। तो कम से कम पेट के बल सोना तो ऑलमोस्ट बंद कर दीजिए, क्योंकि पेट के बल जो सोना है वो विभिन्न प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारियों को आमंत्रित करता है। पंडित जी, सोने की आपने काफ़ी सारी मुद्राएं बताई हमारे दर्शकों को और ये भी बताया कि किस तरह उनके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है उनका, लेकिन आपसे एक चीज़ में जानना चाहेंगे हम लोग कि कौन सा तरीका सोने के लिए लोगों के लिए सबसे परफेक्ट होता है, सबसे सही है, वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सोने के लिए जो सबसे सही मुद्रा जो बताई गई है, पीठ के बल सोना चाहिए, हाथ और पांव जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए। पीठ के बल यदि आप सोते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जीवन के अंदर सकारात्मक एटीट्यूड प्राप्त होता है। जब आप सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो यू फील मच पॉजिटिव। करवट पे भी नहीं सोना चाहिए, पेट के बल भी नहीं सोना चाहिए। आप सोते समय जो है वो पीठ के बल सोइए, सिर के नीचे यदि हाथ रख के सोते हैं तो वो भी एक अच्छा एंगल माना जाता है। अदरवाइज बिल्कुल स्ट्रेट होके सोइए, निश्चित तौर पे एक पॉजिटिविटी आपके एटीट्यूड के अंदर बनी रहेगी, एक सकारात्मकता आपके व्यवहार के अंदर हमेशा बनी रहेगी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतना सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।